मदद करें। ये काम नहीं है कि आपको पीटा जाए। जब आपकी महिलाएं शांतिपूर्वक बैठी हुई है, जब वो खुद उठने वाली थी, अजय सर ने कभी हिंसा की बात नहीं की, सिर्फ शांतिपूर्वक आए। जब छोटे छोटे बच्चों को उठाकर जेल में डाला है इन्होंने, तब आपके साथ गलत हुआ और ये अन्याय हुआ, और इस अन्याय के खिलाफ हम सब खड़ा हुआ, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है और जो यूपी की सरकार है पूरी तरह से जनता के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। और इस संविधान को अगर आप और हम नहीं बचाएंगे तो ये संविधान तोड़ा जाएगा। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भाजपा की सरकार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने ये बयान दिया है कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर भाजपा की सरकार ने संविधान को तोड़ने की बात की है और सख्त खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कानून ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक संप्रदाय के खिलाफ नहीं, पूरे संविधान के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। मैंने सब महिलाओं की बात सुनी। आपको मालूम होगा कि मैं बिजनौर गई थी, मुजफ्फरनगर गई थी, मेरठ गई थी, लखनऊ गई थी, वाराणसी में, बनारस हिंदू नगर में गई थी, जहाँ जहाँ अत्याचार किया है पुलिस ने और प्रशासन ने, मैं वहाँ गई और मैंने एक रिपोर्ट बनवाई थी जो मैंने मानव अधिकार आयोग को दी, जिसमें सारे सबूत हैं। उस रिपोर्ट के साथ साथ मैं इसको भी भेजूंगी, यहाँ की रिपोर्ट बनवा के भेजूंगी। जिन पुलिस कर्मियों ने अत्याचार किया है उनके नाम लिखकर भेजूंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज आपके साथ खड़ी है, कल आपके साथ खड़ी रहेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं होंगे। ले लेने जी, हमको थोड़ा आइडिया नहीं है। रुक जाइए, कुछ भी कहे महिलाओं से मिली तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि खुद उठने वाली थी धमकी में, आज में पानी डाला गया, उनके बच्चों को उठाकर जेल में डाला गया। किस लिए कौन सी आपत्ति है सरकार मुकदमा दर्ज हुआ उसके लिए क्या कर रहा? सिर्फ एक नहीं, बहुत 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 भयानक धाराएं डाली गई हैं, बहुत गलत है। उनको वापस लेना चाहिए, उन बच्चों को रिहा करना चाहिए। प्रियंका जी, आपने महिलाओं से बात की। प्रियंका जी योगी डरते